वर्ल्ड फेमस बनने के लिए छोटे नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। और हमारे कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए छोटे नहीं हो, बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। तो लोगों को बोल दो मुझे बच्चा मत समझो, डांस मेरे को बच्चा मत समझो। ट्विंकल मदान, नमिता विश्वास, जाति का भांगड़ा करने का शौक है, पंजाब के लोगों को खुश करने के लिए आया हूँ। अंदर जहाँ हिप हॉपर्स तकदीर की टोपी बटोर रहे हैं, वहीं बाहर दिल्ली भांगड़ा कर रही है। इट्स मेनली फ्रॉम सहारनपुर, हरिद्वार, तमिलनाडु, जलंधर, पंजाब। वी पीपल आर फ्रॉम पंजाब, द जट बॉयज एंड द जट्टी गर्ल्स। पंजाब के डांस में बसी ऐसी ही जिंदा दिली लेकर आई है रशपाल कौर। रशपाल कौर, आपके साथ जो आए थे वो कौन थे? मेरे ब्रदर। आपके ब्रदर? मतलब रियल नहीं है। हाँ। वो मुझे मार्शल आर्ट सिखाते हैं। 12 साल से मैं उनके पास मार्शल आर्ट सीख रही हूँ। ओह वाव। क्या उनको भी स्टेज पर बुला सकते हैं हम? हाँ जी। सत श्री अकाल। बताएंगे, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ इस वक्त। अगर मैं ये सही समझ रही हूँ तो शायद ये इनको दिखता नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं दिखता। इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर दोबारा हो गया। और बिल्कुल बेबी के बाद बिल्कुल आई साइड खत्म हो गया, ट्यूमर दोबारा बन गया। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं उसको। बेबी, इसका नाम साहिबप्रीत सिंह है। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम जितेंद्र पाल है। जब बेबी होने वाला था तो उस टाइम उन्होंने कह दिया कि आई साइड तो टोटली बंद हो चुकी थी। इवन रखे डॉक्टर ये कह रहे थे या तो ये बचेगी या वो बचेगी। परमात्मा की कृपा है कि दोनों ही आई ठीक है। हर हार को जीत में बदलने की आदत ही रशपाल कौर जैसा इंसान बनाती है। आंखों की रोशनी छिन गई तो क्या, रशपाल ने खुद को अंदर से रोशन रखा है। खुद को मजबूत बनाने के लिए पिछले 18 साल से ये मार्शल आर्ट सीख रही हैं और जीने का अंदाज इन्हें डांस सिखा रहा है। मगर फिर भी एक कमी है जो इन्हें हर पल खटकती है। पर है अभी मेरे दिल में ये कि एक बार आई साइड आ जाए मेरी, मैं उसको देखना चाहती हूँ। रशपाल ना रोए, लेकिन मैं दुआ जरूर करूंगी कि आपकी आईसाइट जरूर वापस आए और किसी तरह आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, अपने बच्चे को देख पाए। इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन है आप, इतनी हिंदुस्तान की सारी लड़कियों और औरतों के लिए आप मिसाल हैं। किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता हूँ, बट टू योर एटीट्यूड
टूटना। एक तरफ जहां रशपाल अपनी काबिलियत के दम पर तकदीर की टोपी चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ कंटेस्टेंट्स मिन्नतें करने पर उतारू हो गए। नेक्स्ट। सो यो, व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज ब्रेक इट डाउन। विश यू रिच। You're a no for me, and आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। Please train। आप में उमंग है। There's a chance for you to come back next year। सर सच में सर, आज तक एक स्टेप कभी जिंदगी में मुझे किसी ने सिखाया सर, जो थोड़ा बहुत आपके थोड़े बहुत स्टेप थे जो अपने आपको मेंटेन किया सर वो। आप बहुत यंग हो, आपको और मौके मिलेंगे। प्लीज आप इतने डेस्परेट मत हो जाइए। कम नेक्स्ट ईयर, ओके? कम नेक्स्ट ईयर बच्चा। थैंक यू। कोई बात, कोई खत्म नहीं होएगा, कुछ खत्म नहीं होएगा, समझे? स्माइल स्माइल, चीयर अप चीयर अप चीयर अप चीयर अप। मास्टर्स क्या करें, लाख समझाने के बाद भी इनकी मिन्नतों का सिलसिला यूं ही जारी है। चल चल चल, पागल है। हेलो, होल्ड ऑन। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। नहीं सर, तो कुछ नहीं है। सर तो कुछ नहीं है, लेकिन सर बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। आप जो बोलेंगे आपकी मैं जिंदगी दे दूंगा पूरी सर, डांस के लिए। सच बता रहा हूँ, आपको जिंदगी दे दूंगा पूरी। आप मत को ले जाओ सर, आप मेरे को ले जाओ, ले जाओ सर। अच्छा सुनते नहीं सर, मैं डांस जितना मुझे पसंद है। बॉम्बे मेरे पास सर, हम सिखाएंगे ये कॉन्टेस्ट। चल चल चल, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, कोई बात नहीं। नहीं तुम चल बोल रहा ना, देखो मेरे पास है, ठीक है सर। साउंड बहुत ज्यादा फोर्स डाल देते, वो ग्रेस थोड़ा मिसिंग है। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ओके। Please, can you give me a chance? Please, next I really beg sure. of you. Please, sure. please give me a sure. chance. Sure, हम बार-बार नहीं कर सकते सब contestant के साथ कि हम आपको दूसरा मौका दें। बहुत बड़ी line पड़ी है बाहर। I learn very fast. पता है मुझे। छोड़ो से please. इतने सारे singing competitions होते थे। मुझे हमेशा लगता था कि क्यों नहीं कोई dance का ऐसा platform लेकर आता है, because बहुत सर हमें जिंदगी सफलता नहीं मिली सर, बहुत सर ट्राई करा। इसमें यदि सर कोई मिस्टेक है, आप सब कुछ और गाने लाए सर, वैसे ट्राई कर प्लीज सर। नहीं, इधर एक ही मौका मिलता है सबको, और आपको भी एक मौका मिला है। दूसरा चांस नहीं पाने की मजबूरी कंटेस्टेंट्स के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट। क्या हमारे अगले कंटेस्टेंट लकी मल्होत्रा भी यही करने आए हैं? साउंड।